हिंदू पंचांग में संतान और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं कई व्रत रखती हैं। इन्हीं में से एक है अहोई अष्टमी व्रत। हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस बार अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर 2022 सोमवार को रखी जाएगी। संतान सुख, बच्चे की अर्ध आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शंकर पार्वती की उपासना करती है। अहोई अष्टमी पर चांद और तारों को देखने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का महत्व क्या है, साथ ही जानेंगे इसका मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 से आरंभ हो रही है। अहोई अष्टमी का समापन 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:57 पर खत्म होगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:57 से रात 7:12 तक रहने वाला है। तारों को देखने का समय 6:20 पे होगा। चंद्रोदय समय रात 11:35 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत के प्रारंभ से उन माताओं को संतान सुख मिलता है जिनके शिशु की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। महिलाएं सूर्योदय और सूर्य अस्त तक अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ माता पार्वती स्त्रियों को संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्ध देखकर व्रत का पारण कर लेती हैं। अहोई अष्टमी व्रत दीपावली के 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद किया जाता है। इस दिन यूपी के राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। महिलाएं तारे या फिर चंद्रमा के निकलने पर महादेवी का षोडशोपचार पूजन करें, फिर तारों को जल का अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत खोलती हैं और पूजन करके व्रत का समापन करती हैं। वहीं कुछ लोग एक धागे में अहोई व दोनों चांदी के डाल देते हैं, फिर हर साल इसमें दाने जोड़े जाने की भी परंपरा है। इसके अलावा पूजन के लिए घर की उत्तर दिशा की जमीन पर गोबर और चिकनी मिट्टी से लीप कर कलश स्थापना करते हैं। तत्पश्चात प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद अहोई माता की पूजा और उन्हें दूध शक्कर और चावल का भोग भी लगाते हैं। फिर एक लकड़ी के पाटे पर जल से भरा कलश स्थापित करके अहोई की कथा सुनी सुनाई जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। त्यौहार से जुड़ी हुई, टोटकों से जुड़ी हुई ऐसी पल टू पल की स्टोरीज देखने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ।